जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया के बारे में, यानी कि भारत में यूरोपियों का आगमन कैसे हुआ, किन स्थितियों में हुआ, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पहले हम बैकग्राउंड में चलते हैं। तो 15वीं शताब्दी से लेकर के 19वीं शताब्दी के बीच एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक चेंज हुआ। अब इस इकोनॉमिक चेंजेस में क्या क्या हुआ, इस टाइम पर क्या हुआ, लोगों का माइंड सेट, अब चाहे वो अरब यात्री हो या फिर इटली हो, इन सारे लोगों को देखने के बाद इनके माइंड में एक माइंडसेट बन गया कि ये जो कृषि है ये अब कम लाभ वाला सिद्ध हो रहा, ये जो बिज़नेस है वो इसमें बहुत ज़्यादा बहुत कम प्रॉफिट है, जिस वजह से हमें इस चीज़ को छोड़ करके किसी और चीज़ में स्विच करना चाहिए। तो उसमें उस चीज़ के लिए उन्होंने क्या किया, उसके उसके उस चीज़ को ऑप्शन के रूप में उन्होंने व्यापार और विनिर्माण के ऊपर ध्यान लगाया, और जिस इस टाइम पे व्यापार और विनिर्माण में काफ़ी वृद्धि हुई। अब जैसा कि मैंने आपको व्यापार और विनिर्माण बताया, तो व्यापार के लिए हमें चाहिए होता है मार्केट, और विनिर्माण के लिए हमें सबसे पहले जो चीज़ चाहिए होती है वो है कच्चा माल, यानी रॉ मटेरियल। तो यहीं से जो चीज़ें थी, यहीं से जो मोटिवेशन इंस्पिरेशन थी, तो ये मोटिवेशन यहीं से है, और फिर यहीं से शुरुआत हुई कैपिटलिज्म की। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कच्चा माल और बाज़ार, इन दो चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, जिस चीज़ के बिना ये ना तो व्यापार कर सकते थे और ना ही व्यापार में ज़्यादा दिन तक बने रह सकते थे। तो इन सारी चीज़ों के अलावा इन्हें जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ से इंस्पिरेशन मिली वो थे मार्को पोलो की कहानियाँ। मार्को पोलो के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बहुत कुछ बताया, उनके बारे में काफ़ी डिटेल्स को मैंने डिस्कस किया। तो ये बेसिकली वेनिस यानी इटली के रहने वाले थे, और ये चीन गए थे, और चीन से होते हुए भारत होते हुए ये वापस लौटे थे। तो इन्होंने जिस तरह से पूर्व की धन संपदा समृद्धि, इन सारी चीज़ों के बारे में इतनी ज़्यादा कहानियाँ सुना दी थी, इन सारी चीज़ों से इंस्पायर होकर के इन्होंने ये डिसाइड किया कि हम पूर्व की तरफ जाएंगे और वहाँ से व्यापार करेंगे और अच्छा खासा पैसा कमाएंगे और अपने कंट्री को डेवलप करने में इन सारी चीज़ों का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो एक्चुअली में जैसे कि मैंने आपको बताया, वर्ल्ड में जब आप मैप देखेंगे तो ये जो यूरोप है, यूरोप के पूर्व में क्या था, इंडिया, चीन, रशिया, इंडोनेशिया, बाली, इस तरह की चीज़ें, बहुत सारे देश ऐसे आते हैं। ठीक है, तो इन वहाँ पर मसाले, चाय, या फिर हम बात कर ले वस्त्र या फिर सूती वस्त्र, मलमल, इन सारी चीज़ों का व्यापार इटली क्या करता था, तो इस चीज़ में उसका मोनोपोली था, तो इस चीज़ में उसे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा था। तो इसी प्रॉफिट को देख करके सभी के अंदर इंस्पिरेशन आया कि वो भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो यूरोप के देश इस एकाधिकार को तोड़ना चाहते थे, जैसे यूरोप में बहुत सारे देश थे, अब चाहे वो फ्रांस हो, स्पेन हो, पुर्तगाल हो, ये सारे ऐसे देश थे जो कि जिस तरह से इटली डेवलप कर रहा था उसके एकाधिकार को ये तोड़ना चाहते थे, और एक मतलब ऑप्शनल रूट ढूंढ रहे थे। ठीक है, तो हम पहले मैप देख लेते हैं। तो ये स्पेन यानी कि पुर्तगाल जो है वो अभी कहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, वन मिनट, यहाँ पर पुर्तगाल है, स्पेन है। एक्चुअली में उस टाइम पे पुर्तगाल स्पेन अलग अलग नहीं, एक ही हुआ करता था। तो पूर्व के ऊपर जो एक अधिकार था उनका इटली का, वो किस तरह से था, तो बेसिकली वो इस तरह से उनका पूर्व के ऊपर एक अधिकार था, लेकिन जिस तरह से बाकी यूरोपीय कंट्रीज़ ने उनका एक अधिकार तोड़ने की कोशिश की, तो उन्होंने एक ऑप्शनल वे ढूंढा। तो उन्होंने ये जो ऑप्शनल वे ढूंढा वो इस तरह का था कुछ। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है, एक्चुअली में ये जो कोना है अफ्रीका का, इसे केप ऑफ गुड होप का नाम दिया गया। ठीक है, उसके बाद फिर इसके रास्ते वो इंडिया आया, और इंडिया से पूर्व की तरफ व्यापार करने में बहुत बड़ा उन्होंने हाथ बढ़ाया। ठीक है, अब हम देखेंगे किस तरह से पुर्तगालियों का आगमन हुआ। ठीक है, तो वास्को दी गामा 17 मई 1498 ईस्वी में कालीकट पहुँचे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, वो केप ऑफ गुड होकर के रास्ते से होकर के कालीकट पहुँचे थे। तो केप ऑफ गुड होप क्या है, ये मैंने आपको पहले बता दिया। अब हम देखेंगे कि आखिर पुर्तगालियों का भारत के ऊपर आने का रीज़न क्या था। तो सबसे पहला था, ये क्रिश्चियनिटी को प्रमोट कर रहे थे। दूसरा, इनके जितने भी ट्रेड में जितने भी कॉम्पिटिटर्स थे, उन सारे कॉम्पिटिटर्स
को वे हटाना चाहते थे या फिर उन्हें तोड़ना चाहते थे, और स्पेशली अरब व्यापारियों को, क्योंकि ये बेसिकली मीडिएटर का काम किया करते थे, जिस वजह से इन्हें भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलता था। तो जाहिर सी बात है, अगर कोई मीडिएटर हो तो जाहिर सी बात है जो जो वस्तु वो का वो आयात इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसका जो प्राइस है वो बेसिकली बढ़ जाता है। तो इसी चीज़ को वो अरब यात्री को हटाना चाहते थे, ताकि ये जो पूर्व से चीज़ें लेके जाएं स्पेन या फिर पुर्तगाल, तो वहाँ पर इनका जो वस्तु की जो कीमत है वो कम पड़े और वो आराम से कंट्रीज़ में बेच सकें और इन्हें अच्छा खासा मुनाफा मिल सके। ठीक है, तो 15 वर्ष के बाद यानी 1498 आया, तो 1513 के आसपास इन्होंने क्या किया, अरबों के जितने भी नौपोते यानी कि जहाज़ वगैरह होते हैं, तो उन सारे जहाज़ों को इन्होंने नष्ट कर दिया था और धीरे धीरे इन्होंने अपना दबदबा बनाना शुरू कर दिया था। 1501 ईस्वी में मैनुअल प्रथम, जो कि पुर्तगाल के राजा हुआ करते थे, उन्होंने क्या किया, अरब फारस और भारत के साथ व्यापार का अपने आप को मालिक घोषित कर लिया। ऐसा रीज़न इसलिए था कि अरब फारस और भारत के बारे में हम बात करते हैं, तो भारत से मसाले और दूसरी चीज़ वस्त्र, इन सारी चीज़ों का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा होता था एक्चुअली में, तो ये तो सिर्फ निर्यात होता था यहाँ से। ठीक है, तो जब ये पहुँचे तो उस टाइम में इंडिया की सिचुएशन किस तरह सी थी, तो गुजरात को छोड़ करके जहाँ पर महमूद बेगड़ा का शासन हुआ करता था, जो कि बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण शासक थे जिन्होंने किसी को भी आने से बिल्कुल भी मतलब दूर रखा था, तो इनके अलावा पूरा का पूरा भारत लगभग छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, तो जिस वजह से जिस चीज़ का फ़ायदा इन्हें मिला। और दूसरी चीज़ जो थी, ये बेसिकली जहाज़ के सहारे यानी कि पानी के स्थल मार्ग के जगह पर ये जलमार्ग से आए थे, तो जिस चीज़ के लिए नौसैनिक शक्ति की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो नौसैनिक शक्ति इनके पास ऑलरेडी थी, और इंडिया में जितने भी राजा थे उन्होंने नौसैनिक शक्ति थी नहीं इनके पास, और थी तो बहुत कम थी, नौसैनिक शक्ति की कमी थी, जिस चीज़ का इन्होंने पूरा का पूरा फ़ायदा उठाया। इटली के व्यापार में अरब व्यापारी बेसिकली मीडिएटर थे, जिस वजह से वस्तुओं के दाम बढ़ जाते थे, जिस चीज़ के लिए इन्होंने सबसे पहले अरब व्यापारियों को टारगेट किया और इन्हें अपने रास्ते से हटाना शुरू कर दिया। ठीक है, राजकुमार हेनरी, हम बात करेंगे जिन्होंने पुर्तगाल पहुंचने में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, उन सारे लोगों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो राजकुमार हेनरी ये बेसिकली राजकुमार थे, और ये बेसिकली इन्होंने अपना पूरा का पूरा जीवन एक ऑप्शनल रूट ढूंढने में लगा दिया। ठीक है, तो उनके अलावा है बार्थोलोमो डियाज, इन्होंने 1487 ईस्वी में केप ऑफ गुड होप तक गए थे, एक्चुअली में अफ्रीका के कोने पर। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया केप ऑफ गुड होप क्या है। ठीक है, उसके बाद वास्को द गामा पहुँचे 1498 कालीकट, और उसके बाद फिर कालीकट पहुँचने के बाद उन्होंने बहुत सारी चीज़ें खरीदी और उसके बाद फिर वो वापस लिस्बन लौटे। तो इस चीज़ के सक्सेस को लेकर के जो पुर्तगाल की सरकार थी उन्होंने क्या किया, पेट्रो अल्वारेज गैब्रियल, उनके साथ बार्थोलोमियो डियाज, और उनके साथ 1200 लोगों के साथ 13 जहाज़ों का एक बीड़ा भेजा गया कि तुम जाओ और वहाँ पर जा करके व्यापार करने की शुरुआत करो। ठीक है, तो पुर्तगालियों ने सबसे पहले तो अरबों का उत्पीड़न किया, क्योंकि वो मीडिएटर थे, और वहाँ से उन्होंने अरबों का उत्पीड़न करना शुरू कर दिया, अरबों को अपने रास्ते से बिल्कुल भी हटा दिया। ठीक है, अब इन सारी चीज़ों को हटाने के लिए उन्हें ज़रूरत पड़ती थी जगह जगह पर फितौरिये बेसिकली वो चीज़ होते हैं जो कि जहाज़ों को कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो उन्हें वो चीज़ें प्रोवाइड करा सके, यानी कि आप यूँ समझ लीजिए व्यापारिक अड्डा जैसे होता है ना बंदरगाह, ये उस तरह के छोटे छोटे बंदरगाह थे, व्यापारिक अड्डे थे जहाँ से इन जहाज़ों को हेल्प दी जाती थी। ठीक है, तो इन्होंने इन सारी फितौरियों का निर्माण करना शुरू कर दिया था, लेकिन इन्होंने अफ्रीका के तटों के आसपास ये फितौरिया बनाए थे, लेकिन इन्हें बहुत ही कम टाइम में ये रियलाइज़ हो गया कि ये चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा ईजी है, लेकिन इंडिया में हमें इस चीज़ को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर बेसिकली राजाओं का राज था, और राजाओं में भी ऐसे राजा जो कि बहुत ही शक्तिशाली थे। ठीक है, और ये बेसिकली छोटी सी कंपनी थी, ऐसे भी नहीं कि बहुत बड़ी कंपनी हो। इन सारी चीज़ों के अलावा इन्होंने कोचीन और कालीकट के बीच जब युद्ध हो रहा था, तो उस युद्ध का फ़ायदा इन्हें मिला और इन्होंने उसी युद्ध का फ़ायदा उठा करके मालाबार में अपना किला बना लिया। ठीक है, उसके अलावा 1509 ईस्वी में दीव
के ऊपर इन्होंने कब्जा कर लिया। उसके बाद फिर 1510 में बीजापुर के राजा से कर्नाटक, ये बेसिकली कर्नाटक के क्षेत्र में आता था, और कर्नाटक के क्षेत्र से गोवा इन्होंने छीन लिया। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रशासन के बारे में कि पुर्तगालियों ने किस तरह से भारत के ऊपर व्यापार करने के लिए किस तरह से उन्होंने अपने गवर्नर यानी कि वॉइसरॉय को किस तरह से उन्होंने नियुक्त किया। ठीक है, सबसे पहले थे फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। 1505 में इन्हें गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया था। 1507 ईस्वी में मिश्र और गुजराती नौसेना से सबसे पहले ये हार गए, लेकिन इस हार में उन्हें ज़्यादा दुख नहीं हुआ। जिस चीज़ का इन्हें हारने का दुख इसलिए हुआ क्योंकि इसमें इनके बेटे की जान चली गई थी, जिसके वजह से इन्होंने ये ठान लिया था कि उन्हें ये दोबारा हराएंगे। उसके बाद 1518 में दोनों यानी कि मिश्र की नौसेना को भी और गुजरात की नौसेना दोनों को मिला करके इन्होंने 1508 में दोनों को हरा दिया था। ठीक है, अब हम बात करेंगे अल्फोंसो डी अल्बुकर्क। ये बेसिकली 1503 में ही आए थे स्क्वाड्रन के रूप में। 1509 में इन्हें वॉइसरॉय नियुक्त किया गया। 1510 में इन्होंने ही गोवा छीनी। 1511 में इन्होंने मलक्का के ऊपर कब्जा कर लिया। 1506 ईस्वी में मसाले के लाभदायक व्यापार को राजा ने अपने अधीन कर लिया, क्योंकि जिस तरह से मसालों का व्यापार यूरोप कंट्रीज़ में हो रहा था, इस चीज़ को लेकर के उन्होंने फंड्स तो काफ़ी प्रोवाइड किए ही पुर्तगाल के राजाओं ने, लेकिन वो सारे के सारे जिसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट था वो चीज़ें सरकार ने यानी राजा ने अपने अधीन कर ली। ठीक है, अब देखेंगे कार्टेज व्यवस्था। कार्टेज व्यवस्था आखिर क्या है? ये बेसिकली एक सिस्टम था जिसमें क्या होता है कि एक पास लेना पड़ता है जो कि वॉइसरॉय से। ठीक है, इस पास के तहत अगर ये पास आपके पास है तो जो पुर्तगालियों के जो नौसैनिक जो भी बड़े बड़े जहाज़ हैं वो भारतीय जहाज़ों के ऊपर या आक्रमण नहीं करेंगे यानी कि लूटपाट नहीं करेंगे। इस चीज़ को ये प्रोटेक्शन देने के लिए उन्हें ये पास लेना पड़ता था, और ये पास लगभग इंडियंस को बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता था। तो एक्चुअली में ये आप यूँ कह सकते हैं ये एक प्रोटेक्शन का ये नहीं बल्कि लूट समझ सकते हैं। ठीक है, इन सारी चीज़ों के बाद मसालों का व्यापार इनका बिल्कुल भी बहुत अच्छा चल रहा था, जिस चीज़ की वजह से ये अंग्रेज़ों ने पुर्तगालियों के राजाओं ने क्या किया कि मसालों का पूरा व्यापार का जो भी प्रॉफिट आता था वो भी अंग्रेज़ों ने अपने अधीन कर लिया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि फ्रांसिस्को डी अल्मेडा कौन है। ये है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा और ये है डी अल्बुकर्क। ठीक है, अब हम देखेंगे प्रशासन के बारे में। तो बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट जो थे वो थे वॉइसरॉय। ठीक है, वॉइसरॉय को बेसिकली 3 साल के लिए नियुक्त किया जाता था। उसके बाद फिर जब वो उस पद से हट जाते थे तो उसके बाद फिर वो सचिव के साथ काम किया करते थे, लेकिन गिरजा प्राधिकरणों के साथ इनका मतभेद हो जाने के बावजूद उस वजह से वॉइसरॉय की जो शक्तियाँ थी वो धीरे धीरे घटने लगी। उसके जगह पर का स्थान फेडोर द फजेंडा ने ले लिया। बेसिकली इनका क्या काम था, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट यानी कि एक चीज़ को दूसरे जगह पर ले जाना नाव के सहारे। ठीक है, तो इनका धीरे धीरे शक्ति इनकी बढ़ने लगी। इन सभी के अलावा नीनो दा कुन्हा, ये बेसिकली 1529 में ये इन्होंने अपना पदभार संभाला, और लगभग कोचीन और इन्होंने जो इनका जो व्यापारिक केंद्र था कोचीन से गोवा इन्होंने ही किया था। ठीक है, जिस वजह से ये इम्पोर्टेंट है। और इसी बीच में क्या हुआ कि बहादुर गुजरात के जो बहादुर शाह थे तो उन्होंने उनकी और पुर्तगालियों के साथ एक छोटी सी झड़प हुई थी, जिस चीज़ को 1536 में ये बहुत बुरा रूप ले चुकी थी। इस टाइम पे क्या हुआ था, 1536 में हुमायूं वापस चला गया था गुजरात से। उसके बाद क्या हुआ, बहादुर शाह और उनकी जनता के बीच कॉम्प्लिकेशन होने लगे, जिस वजह से इन्होंने क्या किया कि बातचीत करने के लिए पुर्तगालियों ने बहादुर शाह को अपने नाव पर बुलाया और उन्हें मतलब होता है वो षड्यंत्र करके इन्हें मार डाला गया। तो ये हमने प्रशासन देखा, प्रशासन कुछ खास था नहीं और इस वीडियो में ज़्यादा कुछ है भी नहीं। तो अब हम देखेंगे धार्मिक नीति के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले ये तो पहले ही मैंने आपको बताया क्रिश्चियनिटी को ये प्रमोट करना चाहते थे और जितना हो सके उतने लोगों को ये ईसाई बनाना चाहते थे। तो अकबर के साथ संबंध के बारे में हम पहले बात करेंगे। तो अकबर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कई बार तो
उन्हें धर्म में बहुत ज़्यादा रुचि थी। अब चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, हिंदू धर्म हो या फिर क्रिश्चियनिटी हो, इन सारे धर्मों के बारे में जानने के लिए, उन्हें समझने के लिए उन्हें उनके अंदर बहुत ज़्यादा उत्सुकता थी, जिस चीज़ के लिए कई बार जेसुइट गया, बहुत सारे पादरियों को भेजा गया, लेकिन इन्हें जिस तरह का आंसर चाहिए होता तो वो उन्हें संतुष्ट नहीं कर पाया। उसके बावजूद इसके पीछे राजनीतिक मंशा थी। बेसिकली अकबर और उनके बेटे जिन्हें सलीम या फिर जहांगीर कहा जाता था, उन दोनों के बीच वॉर चल रहा था, या आप यूँ बोल सकते हैं सिविल वॉर चल रहा था। तो उस चीज़ के लिए ये चाहते थे कि इन्हें अपने साथ रखें ताकि समय आने पर अकबर पुर्तगालियों की सेना का यूज़ करके जहांगीर को हरा सके। ठीक है, तो अब जब जहांगीर जब बैठा गद्दी पर, तो उसके भी संबंध कुछ खास थे नहीं। बीच बीच में ऐसे भी अफवाहें आ रही थी कि जहांगीर ने ईसाई धर्म कबूल कर लिया, लेकिन बाद में फिर उन्होंने अपनी जनता को शांत करने के लिए क्या क्या ये डिक्लेयर कर दिया कि उनके उनसे मतलब पुर्तगाली से कुछ कुछ चीज़ें छीन ली गई। और इन सारी चीज़ों के अलावा मुकारब खान, जो कि जहांगीर के बहुत ही अच्छे मित्र थे, ये गए थे बेसिकली मिलने के लिए। तो जो 1509 के टाइम में क्या था, 1600 मुकारब खान गए थे मिलने के लिए, तो लेकिन उन्हें 2 साल तक वेट कराया गया और उनसे मिले भी नहीं, जिस चीज़ की वजह से मुकारब खान गुस्सा होकर वापस लौट गए। और दूसरी चीज़, पुर्तगालियों ने जहांगीर के एक कई जहाज़ थे, तो जो कई जहाज़ों के ऊपर को उन्होंने लूटा था, जिसमें जहांगीर की माँ की बहुत खासी दिलचस्पी थी, और जिस वजह से पुर्तगालियों ने अपनी बचकानी हरकतों की वजह से जहांगीर को नाराज़ कर दिया था, जिस चीज़ को इन्हें भुगतना पड़ा। और इन सारी चीज़ों के अलावा अंग्रेज़ की तरफ से कैप्टन हॉकिंस को भेजा गया, और इन्होंने क्या किया, ये पहले पहुँचे, उसके बाद फिर इन्होंने इन्हें अच्छी खासी तुर्की आती थी, तो इन्होंने उन्हें राजा को, मुगल दरबार के जो राजा थे उन्हें इम्प्रेस कर दिया, और इस वजह से इन्हें मनसब 400 मनसबदार का की नौकरी दे दी गई। ठीक है, और कुछ उपहार भी ये लाए थे। ठीक है, इन सारी चीज़ों के अलावा अंग्रेज़ और पुर्तगालियों के बीच झड़प हुई, और इसके बावजूद फिर शाहजहाँ ने पुर्तगालियों को जो भी चीज़ें मिल रही थी वो सारी चीज़ें ख़त्म कर दी गई। शाहजहाँ को ये चीज़ें अच्छी लगी क्योंकि पुर्तगालियों के साथ इनका पहले से ही प्रॉक्सी वॉर चल रहा था। इन सारी चीज़ों के अलावा जिस तरह से अंग्रेज़ों ने पुर्तगालियों को हराया, शाहजहाँ को बहुत ज़्यादा खुशी मिली। और बेसिकली हॉकिंस शाहजहाँ के दरबार में थे, तो जिस चीज़ को लेकर के थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेशंस थे, जो कि शाहजहाँ ने क्या किया, फिर पुर्तगालियों को बिल्कुल भी हटा ही दिया और अंग्रेज़ों को कुछ सुविधाएँ देनी शुरू कर दी। अब हम देखेंगे पुर्तगालियों की का जो कोलैप्स है, उनके व्यापार का जो क्षेत्र था वो कैसे तरह सिकुड़ करके रह गया, वो उसकी शुरुआत हुई, मतलब अंत जो हुआ वो 1632 ईस्वी में समाप्त होना शुरू हो गया। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करके उन्हें दूसरे के साथ शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ज़रूर कर लें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।